मेरे दोस्तों, आइए मैं तुम्हारे पाक की ज़ियारत कराता हूँ आपको। सबसे पहले हमारे आका प्यार मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक शरीफ और मुंह मुबारक शरीफ है, इसकी ज़ियारत करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये खातून जन्नत शहजाद ये रसूल सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कमली मुबारक है, आप इसका दीदार करिए जो ब्लैक में है। भाई आगे बढ़ते हैं। तबरुकात सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला का परचम मुबारक है, इसके ऊपर एक तावीज़ लिखा है जिसमें खुलफ़ाए राशिदीन के नाम है और उसके बीच में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह और बीच में आमीन लिखा हुआ है। ये इसी के अंदर जो आप इसकी झलक देख सकते हैं। भाई आगे बढ़ते हैं। ये काबातुल्लाह का गिलाफ़ का कपड़ा है, देखते उल्टा ज़रा देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। ये एक कोटली है, इसके अंदर मदीने मनोबरा मक्का शरीफ बेतुल्ला शरीफ और बगदाद सदीकी खाक मुबारक है, जिसको खाक शिफा भी कहा जाता है। ये अक्सर आज़म है, अच्छे अच्छे मर्ज़ों के अंदर ये इस्तेमाल होती है। इसके बाद ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूबी लाई रहमतुल्लाह अलैह की साल मुबारक है, इसकी सनद फारसी में आप देख सकते हैं, ये गुजराती में लिखा हुआ है। ये चादर मुबारक है जो हजरत गंज अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की है, जो आपने हजरत शेख अहमद जूद रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाई थी और आपने सैयद अहमद जहाँ साहिद रहमतुल्लाह अलैह को जिनका मज़ार पाटन सदर में है इनको अता फरमाई थी। मेरे को साथ में करूँ। उसके बाद ये जान नमाज है यानी मुसल्ला है, जो हजरत महमूद दरियाए दुल्हा रहमतुल्लाह अलैह का है, दीदार करें। इसमें इसके अंदर फारसी सनद भी मौजूद है। इसके बाद ये गौसे आज़म मुस्तफ़ी रज़ी अल्लाह तआला का नाम का परचम है, इसमें या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहीन लिल्लाह अहमद लिखा हुआ है और ये परचम हिजरी सन 1227 का है। इसमें आप सन भी देख सकते हैं, हिजरी सन 1227। इसके बाद तबरुकात हजरत साहे आलम रहमतुल्लाह अलैह के परदादा जैसे जहानिया जहांगर से रहमतुल्लाह अलैह का साल मुबारक और आपका साफा मुबारक है, इसके आप ज़ियारत करें। और इसके बाद ये जैसे ख्वाजा मधु चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पीकेवी पीरों के अंदर है, उनकी दस्तार है जो पांच वास्तों से होती हुई हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पहुँची और उन्होंने बाबा फरीदुद्दीन गंज सगर रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाई, इसकी सनद भी आप देख सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद बाकी सरकार गौसे आज़म मुस्तफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबरुकात की इजाज़त करते हैं। ये आप सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कमरबंद है, जो पहले के ज़माने में सूफ़िया किराम कमर पर बांधा करते थे, ये इसकी भी सनद मौजूद है, आप देख सकते हैं फारसी के अंदर। उसके बाद ये सरकार एक वसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रज़ाए मुबारक है, इदार करें इसका भी ध्यान। ऊपर ऊपर आराम से बाबा क्या जल्दी पूरा वीडियो कवर हो। उसके बाद ये सरकार एक वसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साफा मुबारक है, देखिए आप उसकी इजाज़त करें। ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला का मुसल्ला मुबारक है, इस पर आप नमाज पढ़ा करते थे, ज़ियारत करें इसकी भी। जो तबरुकात सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की जो इस बीच में है, ये क्या है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये तबरुकात ज़रूर है सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की, मंसूब कर दो इसकी ज़ियारत करें। उसके बाद ये बहुत ही अजीम तबरुक है, ये तबरुक हजरत जिंदासा मदार रहमतुल्लाह अलैह आपकी तहबन मुबारक है, तहबन की चादर मुबारक है, ये आपने हजरत जानेम जन्नती जिनको जुम्मन जत्थी के नाम से लोग जानते हैं आपको अता की, और आपने हजरत सज्जद हसन महाबली रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार गोतरका राधनपुर के अंदर है, उन्होंने ये चादर मुबारक हजरत हाजी कासिम को अता फरमाई और आपने हजरत सैयद मोहम्मद को आपसे पहुंची, उसके बाद जहां साहिद रहमतुल्लाह अलैह पहुंची और वहां चलते हुए यहां तक पहुंची, इसकी सनद फारसी के अंदर ये भी मौजूद है, कागज़ पे लिखी और इस चादर के ऊपर भी लिखी हुई ये सनद मौजूद है, आप देख सकते हैं। आगे।
ये सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह उनकी तबरुकात की ज़्यादात करते हैं। ये कपड़ा मुबारक है सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला का, इसमें भी यहाँ सनद लिखी हुई है मौजूद है ऊपर। और उसके बाद ये सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला की चादर मुबारक है, ये भी इसकी ज़्यादात करें। उसके बाद ये इसमें तीन गिलाफ़ काबा है, जो इसमें से एक गिलाफ़ काबा तो वो है जो हजरत 12 इमामों से एक इमाम रहते इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह को अता किया गया था, जो ये है। इसके अलावा एक और गिलाफ अंदर जो वो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला को अता किया गया था। और इसके अलावा एक और तीन गिलाफ इसके अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये चादर मुबारक है हजरत जहाँ साहिद अहमद इनका मज़ार पाटड़ में है, उनके आस्थाने की चादर मुबारक है, जो हिजरी सन 899 की, आप इसमें देख सकते हैं हिजरी सन भी लिखी हुई है, हिजरी सन 899 की चादर है ये, यानी गालिबन इसको 543 बरस हो चुके हैं। इसके अंदर हजरत सैयद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और हजरत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के रुमाल मुबारक इस पोटली के अंदर, इसकी सनद भी मौजूद है ऊपर। रिफ्लेक्शन की वजह से दिख नहीं रही है। हजरत सहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के तबरुकात है, जिसमें आपका पहरन मुबारक भी है, ये पहरन मुबारक है। इसके बाद ये आपकी टोपी मुबारक है, ये कमरबंद मुबारक है, और ये साफा मुबारक है। चार तबरुकात इसके अंदर है, इसकी फ़ारसी में सनद ये मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब आगे सिलसिले नक्शबंदिया की तरफ चलते हैं, बाकी सिलसिले नक्शबंदिया की तरफ चलते हैं। इसके अंदर चार तबरुकात थे, चार खिड़के हैं, इनमें से एक खिड़का हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का है, और इसके बाद एक खिड़का हजरत मुजद्दीद अल्फ़ सानी रहमतुल्लाह अलैह, और एक खिड़का हजरत याहिया मदनी रहमतुल्लाह अलैह, और चौथा खिड़का हजरत शेख उस्मान रहमतुल्लाह अलैह का है। इस सिलसिले नक्शबंदिया के अजीम उस्मान बुजुर्गों के तबरुकात बाबा फरीदुद्दीन गंज सफर रहमतुल्लाह ताला अलैह के कमरबंद शरीफ है, इसकी भी ज़्यारत करें, इसकी सनद भी बता देता हूँ। ये इसकी सनद है, इसमें तीन तबरुकात की सनद मौजूद है, एक ये तबरुकात, इसके अलावा इसके अंदर हजरत मौदू चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपका साफा मुबारक है, और ये महबूब इलाही जिन की साल मुबारक है, इसकी भी ज़्यारत करें। और ये शेख नसीरुद्दीन साहब अली रहमा का ये साफा मुबारक है, इसकी इजाज़त करें। और ये रिफाई के जो जहाँ साहिद अहमद मुबारक के बुज़ुर्गों के तबरुकात होंगे, रिफाई में जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो तबरुकात है, इस पर निशान भराए जाते हैं, और ये निशानों के ऊपर जो तबरुकात रखते हैं ये वो है, देखिए आप इजाज़त करें। रिफाई खेली जाती है, और उसके बाद इसकी सनद मौजूद है, इन तबरुकात की आप देखिए सनद भी। इसके बाद ये प्याले है, इनके अंदर आय कुरान की आयतें लिखी हुई है, देखिए बहुत कदीम ज़माने के ये है, सब बहुत पुराने हैं। ये है, देखिए ये भी है, देखिए ये भी है, ये सब के तबरुकात की इनकी सनद भी मौजूद है। और ये आखिरी ये खाके शिफा है, आप देख सकते हैं खाके शिफा है इसके अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह।